हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में प्रॉफिट एंड डिस्काउंट बेस्ड एक कैशलेस डीआई है, लेवल अच्छा है। एग्जैक्टली पीओ मेंस लेवल की डीआई है, उसको डिस्कस करेंगे। और सेशन जो है ये प्रिपेयर किया गया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, लेकिन और भी जो भी कोई एग्जाम है, भले वो आईबीपीएस पीओ मेन हो या आईबीपीएस क्लर्क मेन हो, आजकल क्या एग्जाम्स के दो ही लेवल रह गए, एक मेंस और एक प्रीलिम्स। क्लर्क और पीओ या असिस्टेंट और डबल ओ, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का भी अपने देखें, तो उनका आपस का गैप है वो काफी डाइल्यूट हो चुका। चलिए, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको प्लीज लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें। आपको कोई और भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए उसके लिए भी लिखें, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। देखिए स्क्रीन पे क्या है, आपके डायरेक्शंस में दिया है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। ये शॉपकीपर सोल्ड है टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड ए वॉशिंग मशीन। तो इसमें कैशलेस डीआई में साथ साथ इंफॉर्मेशन नोट करें कि किसका सोल्ड क्या क्या किया उसने। एक टीवी शॉपकीपर ने, एक उसने टीवी सोल्ड किया है, एक रेफ्रिजरेटर सोल्ड किया है और एक वॉशिंग मशीन सोल्ड किया, तीन सोल्ड किया। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ टीवी टू द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 7:6, राइट। इसका मतलब इसमें क्या क्या आने वाला है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, देन डिस्काउंट, इसके बाद अगर आपने देखें तो सेल प्राइस और प्रॉफिट, जो भी इसमें से कुछ आएगा वो अपने नोट करते जाए। तो ये दिया है इसने कि जो टीवी और वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस है उसका रेशियो दे दिया। अगर मैं टीवी को मान लू 7:6 है, अगर इसको 7A मान लेता हूं तो ये हो गया आपका वॉशिंग मशीन का 6, कुछ भी ले सकते हैं, 7K ले सकते हैं, इसको 6K ले सकते हैं। द डिस्काउंट हैड बीन गिवन इन रेफ्रिजरेटर इज 15%, रेफ्रिजरेटर पे जो डिस्काउंट दिया है वो आपको दे दिया 15%, ये भी नोट कर लो। व्हाइल द प्रॉफिट अर्न ऑन टीवी इज 40%, टीवी का प्रॉफिट दे दिया तो ये भी नोट कर लो। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन रेफ्रिजरेटर वाज रुपीज 552 लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन पे जो प्रॉफिट हुआ है, वॉशिंग मशीन का अगर मैं यहाँ प्रॉफिट एक्स ले लेता हूं तो यहाँ कितना है, 552 कम है। द शॉपकीपर हैड अलाउड 18% डिस्काउंट ऑन टीवी, टीवी का डिस्काउंट दे दिया आपको 18%, एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन द वॉशिंग मशीन वॉज 20%, वॉशिंग मशीन पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20%, राइट। 20% टीवी वाज रुपीज कहा चला गया, 20। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हैड बीन गिवन ऑन टीवी, डिस्काउंट गिवन ऑन टीवी वाज 756 मोर देन दैट ऑफ द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन पे जो डिस्काउंट दिया गया है, वॉशिंग मशीन पे कहा गया, अगर मैं यहाँ डी मान लू डिस्काउंट को, तो टीवी पे कितना दिया गया, ज्यादा दिया गया, हैड बीन इन टीवी वाज रुपीज 756 मोर, तो यहाँ डिस्काउंट फिर कितना हो जाएगा, सॉरी ये सेल प्राइस के नीचे मैं लिख दिया, यहाँ डिस्काउंट के नीचे लिखो, और ये हो गया आपका डी प्लस 756, राइट। द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर रुपीज 1760 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर को मैं सी लू तो ये सी प्लस 1760 हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो ताकि दोबारा क्वेश्चन पे नहीं जाना। द डिस्काउंट गिवन ऑन वॉशिंग मशीन इज 12%, वॉशिंग मशीन का जो डिस्काउंट है वो कितना है, 12%। तो आप देखिए इसमें डिस्काउंट अपने पास सबका परसेंटेज में आया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाए उससे पहले क्या कुछ सोल्व इसमें से कुछ निकल के आ सकता है क्या। अब आप इसमें देखें कि आपका टीवी और वॉशिंग मशीन का जो मार्क प्राइस है वो एक दूसरे के रेशियो में दी हुई है, मतलब एक वेरिएबल यहां है ए, और इनका दोनों का जो डिस्काउंट का डिफरेंस है वो अमाउंट में दिया हुआ है 756, राइट। तो यहां से ए निकालना बहुत आसान हो गया,
क्या हुआ, अगर मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट यहाँ कितना है टीवी पे 18%, किसका 18% का मतलब 18/100 ऑफ 7 है जो उसकी मार्क प्राइस है, माइनस 12% ऑफ 6 है, इज इक्वल टू 756, राइट। तो अब अगर यहां से मैं देखूं तो 12×72 है, ये 18 है, तो मैं 18/100 को कॉमन ले सकता हूं, 18/100 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां तो बचा 7 है, और यहां 12×72 है तो 18×72 यहां बच गया 4 है, इजिकल टू 756। अब ये कितना हो जाएगा 3 है, राइट। तो अगर मैं 18 को यहां से काटूं तो 18×72 और 18×36 और 3 को काटूं तो ये 14, a इज इक्वल टू 1400, तो a की वैल्यू आपके पास 1400 यहां से आ गई, 1400 आई है, तो a की वैल्यू, तो यहां मार्क प्राइस टीवी की कितनी होगी 9800, राइट। और इसकी वॉशिंग मशीन की कितनी होगी 8400, राइट। अब और क्या आपके पास वेरिएबल क्या रह गया, सी रह गया, एक्स रह गया, तो कुछ निकल सकता है क्या, प्रॉफिट कितना है 20% है इसका, लेकिन यहां प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो सेल प्राइस अगर मैं यहां से देखूं तो यहां सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस 8400 अगर मार्क प्राइस है और 12% तो उसमें डिस्काउंट है, तो इसका 12% निकालने के लिए क्या करें, अपने 10% आपको पता है 840 हो गया, एक सिफर हटानी, और फिर 2% इसमें और जोड़ दो तो 168 और हो गया, तो ये कितना हो गया 800 और 900, ये हो गया आपका 1008, तो 1008 क्या आ गया इसका, ये आ गया डिस्काउंट 1008 है, इसमें से अगर मैं निकालूंगा 8400 में से 1000 गए 7392, 7392 ये अपने पास क्या आ गया इसकी सेल प्राइस आ गई। अब 7392 अगर इसकी सेल प्राइस है वॉशिंग मशीन की, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20% है, राइट। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस यहां से अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, अब यहां देखें प्रॉफिट है 20%, 20% का मतलब 1/5, राइट। तो एक प्रॉफिट है तो 20 किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब सेल प्राइस कितनी है 1/5, 6, राइट। तो अगर सेल प्राइस पे आप प्रॉफिट देखें तो कितना हो गया 1/6, तो यहां अगर एक्स की वैल्यू मैं यहां से निकालना चाहूं तो ये कितनी आ गई 7392/6, तो ये 7200 का 1200 तो एक आ गया, और 1200 में 192 और बच गया तो 32 और हो गया 1232, तो x की वैल्यू यहां से 1232 आपके पास आ गई, राइट, 1232 आपकी x की वैल्यू आ गई। तो अगर यहां से आप कॉस्ट प्राइस भी निकालना चाहें तो 7392 में से 1272 घटाओगे तो कितना बचा, 73 में से 12 गए 61 और 92 में 32 आ गई 6160 आ गया। और यहां आप देखें x माइनस 552, इसका रेफ्रिजरेटर का जो प्रॉफिट है ये कितना आ गया 1232 माइनस 552, 32 और 52 माइनस, तो ये हो गया आपका 680, तो आपके पास 680 यहां का प्रॉफिट आ गया। अब अगर इससे मैं देखूं एक चीज निकल नहीं रह गई, अगर इसकी रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस और निकाल ले फिर आगे बढ़ते, तो आप देखें मार्क प्राइस सी प्लस 1760 है, डिस्काउंट 15% है, तो सेल प्राइस कितनी हुई, इसका 15% अगर मैं घटाऊंगा तो 0.85 सी, तो 0.85 सी प्लस 1760 का में से का 85%, तो इसमें से 15% घटा लो तो 176, तो एक हो गया, 1760 का 10% हो गया 176, और 176 में आई थिंक कितना 68 और जोड़ू क्या 188, तो ये आपका हो गया 264, राइट। तो ये 264 अगर मैं 1760 में से निकालूं तो ये कितना 1700 में से 200 गए 300 घटा लो, 1760 में से अगर 300 घटाओगे तो ये हो जाएंगे आपके 1460, और वापिस 36 जोड़ दो 1496, और इसमें से अगर मैं निकाल दूं सी कॉस्ट प्राइस तो आ जाएगा प्रॉफिट 680। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल लें
तो यहां से आपकी जो कॉस्ट प्राइस की रेफ्रिजरेटर की वैल्यू है वो 54540, तो यहां आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 54040। और अगर आपको इसकी सेल प्राइस निकालनी है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो गई आपकी 6120, राइट। अब यहां आपके पास मार्केट प्राइस है 9800, तो इसकी अगर सेल प्राइस भी निकालनी हो तो इसकी सेल प्राइस आपकी कितनी निकलेगी बे 18% इसमें से निकाल लो, तो 9800 को आप ही क्या करो कि 20% निकालो, 20% इसका 98 का डबल 196 1960 हो गया, 1960 में से 196 वापिस निकाल दो, 18% था तो 2% वापिस निकाल दो, तो 1960 में से 200 गए 1760 और 4 ये वापिस जोड़ दो तो 1764, तो 1764 इसमें से 98 में से 1764 जब आप घटाएंगे तो ये रह गया 8036, 8036, राइट। और इसका ये 140% है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे 1.46 को डिवाइड कर लेंगे और ये आ जाएगा 5740 या इसकी कॉस्ट प्राइस। तो अब आपकी सब इंफॉर्मेशन आ गई, पूरा आपका ये सॉल्व हो गया। अब आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो इंफॉर्मेशन पीछे प्रिपेयर की थी उनको टेबलर फॉर्म में या मैंने लिख लिया है, आपके पास तो स्पेड वर्क जो आप करेंगे उसमें आपके पास ऑलरेडी होंगी सब चीजें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड वॉशिंग मशीन, टीवी और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस। तो आप देखें 5740 और 6160 माइनस 5740, तो ये कितना हो गया 61 में से 57 400 बच गए, 60 में से 40 20, 420 यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑन टीवी, प्रॉफिट किस पे टीवी पे जो है तो ये हो गया 2296 एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में है 1232, इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये 2296 माइनस 1232 इन दोनों का प्रॉफिट का देख लो, आपको देखिए 2200 में से 1200 तो 1000 तो ये हो गए और 96 में से 3264 ये हो गए 1064, ये आपका राइट आंसर। एक बार आपने सॉल्व कर ली उसके बाद क्वेश्चंस का कोई लेवल नहीं होता। फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर, इनका एवरेज, तो इनका एवरेज के लिए क्या करोगे इन तीनों का सम करो और उसको किससे 3 से डिवाइड कर वो आ जाए। तो अगर इसमें आप देखें जैसे सबसे पहले जोड़ने के लिए क्या करें, आपको दिख रहा है सभी 4 डिजिट में, तो 8000 6000 और 7 7 13 और 8 21, 21000 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो सीधा आप लिखो एवरेज ही 7000, राइट। अब अगर आप इसमें देखें ये 3 और 1 4, तो ये 400 तो ये होगी, अब 3 और 2 5 और 9 14 140 और हो गए और 6 2 8 और हो गए, तो 500 और 1 648 648 में से आपको पता है कि 216 और जुड़ गए, 216 ही जुड़ेंगे क्या, 300 का तो 1/3 हो गया 200 और 48 का 548 है, 548 है तो 540 का आपको पता है 18 3 54 180, तो 180 और जोड़ दीजिए और 8 है तो करीब करीब 3 और इसमें जोड़ दीजिए, फिर आप ऑप्शन पे भी जाइए साथ साथ, तो 7183 इसके आसपास का जो भी आंसर है उसको आप टिक कर दीजिए, 7183 है या उसका बिल्कुल फ्रैक्शन में दिया हुआ है जैसी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि आप सबको पहले जोड़ रहे हैं और फिर ये करें, नहीं, आपको जब ये दिख गया कि 8 + 6 + 7 है ये 21 है, 21 3 से डिविजिबल है और 7 आएगा, तो डायरेक्ट आप 7000 ले लीजिए कि ये तो मेरा हो गया, देन गो फॉर नेक्स्ट, राइट। तो ये भाई आपका 400 हो गया, 400 में आप इसको और जोड़ोगे तो ये आपका 500, यहां आपको जैसे ही दिखा कि 400 और 1 540 आपको पता है 18 3 54 180, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट रह के काम करना। नेक्स्ट है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय शॉपकीपर ऑन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की प्रॉफिट की परसेंटेज, तो हमेशा प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 680 और परसेंटेज के लिए किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे, ये है आपका 5440 और गुणा 100, तो आप देखेंगे एक सिफर से तो एक सिफर कट गई, और अगर मैं
चार से काटूं तो 17 चौका 68 और ये कितने आ गए 125 और 11 136। अगर 136 को मैं करूं तो आधा 68 और 68 का आधा 34 तो 34 और यहां आ गया 25। 17 × 34 12.5% 12.50% यही इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइंड द डिफरेंस इन प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग द टीवी एंड वॉशिंग मशीन। तो ये तो सीधा ही आपका ये 40% दिया हुआ है, ये 20% दिया हुआ है, तो 40 और 20 का डिफरेंस 20% आपका राइट आंसर है राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक बार आपने उसको सोल्व कर लिया ना कूल रह के देन कुछ नहीं है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कैशलेट डीआई जब भी करें वो प्री लेवल की हो या मेंस लेवल की हो, उसको आप हाथ में तभी लें जब आपके पास सफिशियंट टाइम, क्योंकि आपने देखा इस डीआई में 90% टाइम उसको सोल्व करने में लगा और क्वेश्चन के आंसर देने में लगा 10%, लेकिन इनिशियल जो 90% टाइम था उसका रिजल्ट जीरो था और अगला जो 10% टाइम था उसमें 100% रिजल्ट आ गया। सो सफिशियंट टाइम वो उस वक्त ही उसको हाथ में लेना है, या मेजर प्री और मेन दोनों के लिए। प्री के लिए तो स्पेसिफिकली ध्यान रखें क्योंकि वहां पर टाइम की शॉर्टेज ज्यादा रहती है। अब जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे एटलीस्ट उसको लाइक करना नहीं भूले, उसको शेयर करना नहीं भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भी जो आपको स्टडी से रिलेटेड आपका क्वांट का रीजनिंग के खूब वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे जाइए उसमें देखिए, आपको डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।